अस्सलामुअलैकुम गाइस। गाइस आज है संडे और संडे के दिन भी मम्मा ने आराम करने दे रही है और हमारी आपी साहिबा आ गई हैं, आराम भी नहीं करने दे रही। एक फर्स्ट ऑफ ऑल इनके एक घर का सफाई हो रही है, सेकंड इनके व्लॉगिंग भी संभाल ली है। ये अभी झाड़ू चल रही है, पहले तो हम कर रहे थे फिर अभी आप ही करने लग गई हैं। अभी चलो अली जल्दी से अपना काम करो। देख रहे हैं आप अली काम कर रहा है अच्छी तरीके से, जल्दी जल्दी करें। और यहाँ पर अभी जो है हमने सारा साफ़ किया है, पंखे मेरा हाथ नहीं जाएगा वरना मैं साफ़ कर लेती। और अभी यहाँ पर सोफ़े वगैरह भी साफ़ करने, बहुत मिट्टी हो गई है। पता है सबसे बड़ा मसला यह था कि ऊपर से जितना चूना काफ़ी गिर रहा था तो रात को सोते वक्त बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। तो मैंने खाला को कहा आज हम पूरा कमरा अच्छे से साफ़ करेंगे, लाइट भी वैसे भी नहीं है। तो हम सब बच्चों ने मिल के आज मैंने इनका संडे का दिन जो है ज़ाया कर दिया, सबको काम पर लगाया। खाला जो है वहाँ पर किचन में अपना काम करिए, शायद नाश्ता बना रही है, हमें कुछ नहीं पता। हम अंदर अपना काम करें सब मिल के। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी चूना निकला है, क्योंकि आपको पता है सिम ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ज़्यादा निकलता। रात को सोते वक्त ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ मिट्टी वगैरह मुंह पे गिर रही है, डर जाते थे। तो यहाँ पर आवाज़ जो था तकरीबन आधी सफाई हो चुकी थी, आवाज़ यहाँ पर कुशन वगैरह रख रहा था सोफों के। और ये देख सकते हैं मैं भी इसके साथ लगी हुई थी, मैंने कहा इस तरह ना करो इस तरह करो। तो हमें लेवल बराबर करना था आज। जैसे कि आपने देखा कि अली ने वीडियो स्टार्ट की थी, तो अली बहुत अच्छी व्लॉगिंग करता है, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो उसने कहा आप ही आज मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने कहा चलो कर लो। यहाँ पर अली जो है टेबल जो है साइड पर रख रहा है इस्त्री वाला, आज गर्मी भी बच्चों को लग रही थी और छुट्टी का दिन भी हमने मज़े में गुजार लिया। और यहाँ पर आवाज़ जो है झाड़ू लगाते हुए काफ़ी अच्छी, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये कपड़े भी अपनी मम्मा के साथ धुलाता है, बर्तन भी धुलवाता है, कपड़े तार पे भी डलवाता है और झाड़ू वगैरह भी लगाता है। और जिस दिन इसको गुस्सा दिला दिया ना तो ये कोई काम भी नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि इससे जो है हमें प्यार से चलना पड़ता है। अली को कुछ भी कह दो, बाहर का काम कह दो, घर का काम कह दो, अली करता रहता है। क्योंकि लड़का लड़की फ़र्क नहीं पड़ता काम करें या ना करें, इक्वल दोनों ही हैं। क्योंकि आंटी की एक ही बेटी है माशाल्लाह अलिशबा, वो भी करती है ज़्यादा। और यहाँ पर अब आवास ने झाड़ू ले ली, वो जो है कचरा उठा रहा है, कमरा काफ़ी गंदा है। और मुझे कहते हैं आप ही बस आप बैठ जाओ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप काम ना करो। तो मैं इनको डायरेक्शन दे रही थी कि यहाँ से यहाँ करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंद निकल रहा है। इसके बाद जो है हम पोछा वगैरह लगाएंगे। पोछा लगाने के बाद यहाँ पर इन्होंने ये गमले वगैरह अपने फूल वगैरह धो लिए थे, अब इन्हें भी लगाएंगे। तो अली आवाज़ को मैं ढूंढ रही थी, तो आवाज़ जो था वो दरवाज़े के पीछे छुपा हुआ था। और फाइनली देखें कमरा बिल्कुल साफ़ हो गया है और बाहर चरपाई पड़ी है, वो ले आएंगे। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया। और अलिशबा ने ये फूल वगैरह धो लिए थे, इनको अपनी जगह पे रखेंगे। और माशाल्लाह हमारी अलिशबा जो है ये चीज़ें बहुत प्यारी बनाती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। जो भी डेकोरेशन का सामान कमरे में देखेंगे तो वो हमारी अलिशबा ने बनाया हुआ है। और यहाँ पर किचन आते ही हमने देखा कि खाला हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही है। उसने कहा था कि मैं तुम्हें सुबह जो है नाश्ता खिलाऊंगी, तुम लोग काम करना। चाय भी रख दी है। और आज खाला जो है हमें वाइट आटे के और लच्छेदार पराठे बनाने, और ये मुझे दिखा रही थी कि देखो बेटा कैसे लच्छेदार पराठे। तो यहाँ पर खाला हमें बता भी रही थी कि ये लच्छेदार पराठे इस समय, और मुझे कोशिश करूँगी घर जाके ऐसे पराठे बनाऊँगी। देखो खाला ने कितने अच्छे तरीके से कटिंग की है, अब इसको क्या करेगी देखते हैं। ऑयल लगा के खाला ने ऑयल लगाया और मैं पूछती जा रही थी तो वो बताती जा रही थी, और मैं तंग भी कर रही थी काफ़ी। तो उम्मीद है आपको वीडियोज़ पसंद आती होगी हमारी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेके आती हूँ, ना गर्मी देख रही हूँ। और यहाँ पर जो है खाला ने खुश्क आटा डाल दिया ताकि पेड़ा जो है बहुत अच्छे से बने। और खुश्क आटा इसलिए डाला है कि ताकि अंदर से जो ये स्टेप बनाए हुए उसके जो है लच्छेदार जो है रिंग्स निकल के आ जाए। तो यहाँ पर खाला ने अच्छे से जो है पराठा बना लिया। मेरी खाला जो है माशाल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी करती है, अब कह रही थी दो तीन चीज़ें तो मैं और भी खिलाऊंगी। तो फाइनली यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया रेडी, ये सबकी चाय है, पराठे और अंडे हैं। तो चलिए हम जो है अपने कज़न वगैरह मिलके खाला अंकल नाश्ता करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलिशबा को कहा मेरे लिए एस बना दो, तो उसने एस बनाया। तो उसने कहा आप ही एम भी बना देते, भाई का नाम भी बना देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अलिशबा बहुत अच्छी कटिंग करी थी, यहाँ देख सकते हैं एस ही बन रहा है अभी तक, और एस जैसे कम्प्लीट होगा तो एम भी बनेगा। तो यहाँ पर एम की भी कटिंग हो रही है, ये देखिए एस तो बन चुका है बहुत प्यारा, पर एस उल्टा बन गया था, अब हम सीधा बनाएंगे। एम बिल्कुल सीधा बना था,
तो ये देखें माशाल्लाह से अलिशमा बहुत माशाल्लाह, मेरी खाला के बच्चे पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे। तो यहाँ पर अलिशमा कटिंग करिए, तो फाइनली यहाँ पर एम बन चुका है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई होगी और हम दोनों के नाम बन चुके हैं एस और एम। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक, कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।